शांति। आज की तारीख है 2/5/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, ऊंच कल कुल को जो बात शोभती है वही बात बाबा बताएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का क्या डायरेक्शन है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है कि श्री मत पर चल, तुम इस भारत का बेड़े को पार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो बाबा कहते माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे एक शिव पिता परमात्मा को ही याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्री मत पर नॉन वायलेंस अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सच्ची सेवा करो। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा के महावाक्य। नंबर एक, सबको सुख दे, सभी को सुख दे, दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। नंबर दो है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। जैसे ज्ञान अमृत पी करके स्वयं को उच्च पद प्राप्त कराना है, ऐसे योग अग्नि से जो भी हमारे किए हुए पाप कर्म हैं उसको भस्म करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का कि अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है? अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करेंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। बाबा कहते आगे बढ़ो, कमज़ोर मत बनो। कमज़ोर जो बनेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल भी नहीं। अच्छा स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।